जिस जिसने इस मूवी को देख लिया है वो सबको जाके स्पॉइल कर देना और कमेंट में जाके भी सब कुछ लिख देना कि मूवी में क्या क्या हुआ है। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? रुको भाई रुको, मजाक कर रहा था, क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी इस मूवी को स्पॉइल मत करना, 30 तारीख को इंडिया में रिलीज होने वाला है, तब तक के लिए तो रुक जाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए जुजुत्सु काइसेन की मूवी को देखने से पहले। तो मजाक को साइड में रखते हुए, स्पॉइलर्स को इग्नोर करते हुए और हम लोगों का सीरियस मोड ऑन करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग सकुना और मेगुमी के फैंस हैं, हाँ पता है कि उन दोनों से ज्यादा गोजो के फैंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन दोनों के पास है ना, तो ये दो कैरेक्टर्स मूवी में नहीं होंगे। इनके साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स भी नहीं होंगे क्योंकि ये जो मूवी है वो एनिमे सीरीज के बहुत पहले का स्टोरी है और हम भी जानते हैं कि सकुना को एनिमे के शुरुआत के एपिसोड में ही दिखाया गया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था एपिसोड 1 में ही। और जो टॉक्सिक फैंस है जो कि इस मूवी के हाइप की वजह से इस मूवी का फैंस हो गए हैं, जुजुत्सु काइसेन के फैंस हो गए हैं, जिसको एनिमे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और फिर भी बोल रहे हैं कि मेगुमी तो इस मूवी का मेन हीरो है और ये बंदा तो मेगुमी है, इसके बारे में पूरा का पूरा स्टोरी है, उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे माफ कर दे, आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। आप तुम लोगों को कोई भी समझा नहीं सकता, यूजी और सकुना की तरह एक बॉडी पे दो इंसान नहीं रहते हैं यहाँ पे। तुम लोग ऐसे बात करते हो कि हर साउथ मूवी का तो सेकंड पार्ट आता ही है, इसीलिए अपरिचित के बाद अपरिचित 2 भी आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जो भी हो, ट्रेलर के अनुसार एक जबरदस्त बैटल तो इस मूवी में होने वाला ही है, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि गोजो का पार्ट इस बैटल में उतना ज्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि ये मूवी पूरी तरह योता पे बेस्ड है और हमें शायद योता की फाइटिंग स्किल्स और पावर्स के बारे में ज्यादा दिखाया जाए और वो कैसे फाइट करेगा मेन विलेन के साथ, वही दिखाएंगे ये सब। गोजो का फाइट सीन हुआ तो और भी अच्छा होता, मतलब होगा तो जरूर लेकिन उतना शायद नहीं होगा। तीसरी बात ये आता है कि हमने बहुत बार योता के बारे में एनिमे के बहुत सारे एपिसोड्स में सुना ही था लेकिन उसको कभी भी एनिमे पे नहीं दिखाया गया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि योता के बारे में जो स्टोरी हम देखने वाले हैं, मतलब इस मूवी में, उसके बाद जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 जब आएगा तब योता को शायद से सेकंड सीजन में दिखाया जा सकता है। और तो और मूवी में योता जो कर्स तोड़ने वाला है वो सबसे पावरफुल कर्स होगा आज तक का, तो हम इससे तो बहुत सारे अंदाजा लगा सकते हैं कि योता के पावर्स किस लेवल तक जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि योता गोजो के पावर्स को भी सरपास कर दे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें भी लगता है तो कमेंट करके बताओ थोड़ा सा, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते योता के पूरे पावर्स के बारे में। उसके साथ साथ सकुना भी है जो कि एक मेन प्रोटैगोनिस्ट ही है और उसके साथ साथ गोजो भी है जिसका पूरा पावर्स हम अभी तक भी नहीं जानते। हाँ बहुत सारा पावर्स दिखाया गया है बट फिर भी अभी तक भी पूरा का पूरा पावर्स नहीं दिखाया गया है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि इस मूवी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इसका एनिमेशन देखने के लिए भी, और मुझे लगता है कि सारे फैंस इसको ही देखेंगे। पता नहीं डिमोन स्लेयर के जो फाइट सीन्स थे उसकी तरह होगा या नहीं, या फिर उसके लगभग भी जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इंडियन में एक ही बात बोलूंगा कि इस मूवी के ट्रेलर को देख के बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूँ और जो चीज उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है उसके मुताबिक लग तो रहा है कि ये मूवी बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस ये फुलफिल कर पाते हैं। और एक बात, सब लोग थिएटर पे जाके ये मूवी देखो, घर पे सब कुछ देखने से क्या मजा आता है भाई। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे ही थे, अभी भी घर पे रहोगे तो क्या मजा आएगा, जाओ मूवी थिएटर पे देखो, मजे लो। तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके भर दो यारो, क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए मैं भी बहुत सारा हाइप्ड हूँ, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूँ और एक्साइटेड हूँ। पायरेटेड तो मिल जाते हैं लेकिन अपने बातों को काबू करके मैं बैठा हुआ हूँ। लास्टली कोई भी स्पॉइल मत कर देना कमेंट पे, चलो अब भागो। मूवी के फाइट सीन्स में एंड गेम जैसा फील आएगा, मुझे ये स्पॉइलर है इसलिए आपको दे दिया।